पत्रकार दैनिक शुभकामनाएं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय से आप बता रहे हैं भगवान विष्णु का छठ अवतार भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव का यहाँ पर स्वरूप देखने को मिलेंगे और आप लोग भी यहाँ पर आप देख रहे हैं घर बैठे आपको दर्शन करवा रहे हैं और गणमान्य लोग इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं जिसमें समाज सेवी सुनील दिप्पल जी हैं, सुमित रैना जी हैं और अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। काम किया समाज के लिए और बुराइयों का अंत किया। मैं समझता हूँ
इनसे सीख लेकर हमने भी समाज में इस तरह से काम करना चाहिए और आगे आने वाला जो हमारी जनरेशन है उनको बताना चाहिए कि जो सच्चाई का रास्ता वो कठिन होता है लेकिन अंत में उसकी जीत होती है। देखिए दविंदर लिंगराना जी भी यहाँ मौजूद है, ब्राह्मण सभा के प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद है। सर आप सभी को बहुत बहुत बधाई आज के दिन की आपका ये संकल्प। परशुराम जी की जयंती के सबको बहुत बहुत बधाई और आज पूरे जम्मू संभाग में जगह जगह भव्य झांकियां निकल रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण झांकी ये जो ब्राह्मण सभा के दरों से निकल रही है इसकी बड़ी मान्यता है और सारा जम्मू जो है आज माननीय परशुराम जी महाराज को नमन करता है और सबको बधाई हमारी तरफ। क्या कहेंगे आप आज के दिन के लिए? महान परशुराम माने जो दास थे वो बिल्कुल इंसाफ करते थे। हम चाहते हैं देश आगे बढ़े और देश तरक्की करे और सब जगह ईश्वर जोनी में पुंछ में मसौली में उधमपुर में और कठुआ में जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। हम सबको इसका देते हैं कि देश बढ़े तरक्की करे नशा कर। आप देख रहे हैं यहाँ पर समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं ब्राह्मण सभा प्रतिनिधि की ओर से यहाँ पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया जिसके आप देख रहे हैं। और देखिए प्यारे प्यारे कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं, क्या कहेंगे आज भगवान श्री परशुराम जी का। अपने विष्णु जी के सातवें अवतार भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद भेजना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ सारे देशवासी ये दिन हर्षोल्लास से मनाए और हमारे प्रभु ब्राह्मण सभा जी की तरफ से भी हर साल ये दिन मनाया जाता है और आज भी ये मनाया जा रहा है। बहुत बहुत खुश है और हम कहते हैं सारे मिल के साथ निकले और सारे ये खुशी मनाए। आज भगवान परशुराम जी की महाउत्सव है, प्रकट दिवस है। इसमें मैं सभी सनातनी धर्म को बोलना चाहता हूँ इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पर हमारे परशुराम जी की जयंती का, बहुत ही अच्छा माहौल है। ऐसा हमारी एकता दिखती है कि यहाँ पर हर आदमी हर जात का हर यानी कि कम्युनिटी जितने भी है हमारे यहाँ महाजन है कतरी है सभी इकट्ठे चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है, ऐसा ही हर त्यौहार हमारा हिंदुओं का ऐसा ही मनाया जाए तो हमारी जम्मू की एकता रहेगी। बिल्कुल जय भगवान श्री परशुराम जी की। समय के दृश्य हम आपको बताएंगे शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और देखिए जम्मू के बाजारों से बीचों बीच होती हुई शोभा यात्रा आज तक हम लाइव दर्शन करवा रहे हैं और भी लोग यहाँ खड़े हैं, इनसे भी जाने का प्रयास करेंगे। सर जी क्या नाम है आपका? शिवराम शर्मा। क्या कहेंगे आज के दिन? ये हमारे ब्राह्मण सभा की तरफ से हर साल भगवान परशुराम जी की जो विष्णु के छठे अवतार हैं उनके हम जन्मोत्सव पे यहाँ पे ये उनका जन्मोत्सव मनाते हैं और वहाँ पे हर जगह हर जगह अखनूर में हीरा नगर में उधमपुर में पुंछ में जोरी में हर जगह जो परशुराम जी की जो है हर जगह मनाई जा रही है और हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी स्टेट में शांति तो हुई है लेकिन हम कहते हैं कि और शांति हो जाए और हमारा सनातन धर्म जो फले फूले और सनातन धर्म की आगे बढ़ावा हो और इसकी लोग इसके जो सत्य कर्म है उस पे चले, सत्य के कामों पे चले और जो तंत्रवाद के काम है उनको छोड़ दें। इतना ही कहूँ। जय जय भगवान श्री परशुराम। जय परशुराम।
परशुराम परशुराम जय जय परशुराम, मिलके बोलो सारे जय जय परशुराम 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 जय जय परशुराम। बोलिए भगवान परशुराम जी महाराज की जय हो। सभी नगर निवासियों को यह जान के अति प्रसन्नता होगी भगवान श्री परशुराम जी की जय हो। लाइव दृश्य आपको बताया जा रहा है के माध्यम परशुराम जी की शोभा यात्रा बड़ी शोभा यात्रा का देखिए आप जब के बाजार के बीचों बीच होते हुए ये शोभा यात्रा निकल रही है। कितनी खूबसूरत रामन सभा से होती हुई भिन्न भिन्न बाजारों से भ्रमण करती हुई फिर वापिस हम आपको यहाँ के लाइव दृश्य समय बता रहे हैं। जो भी समय हम देख रहे हैं जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में भगवान श्री परशुराम जी की जय हो। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी भगवान का जन्मोत्सव है। बीचों बीच होती हुई
यहाँ पर लोग किस तरह से जय भगवान श्री परशुराम, जय परशुराम जी। आज भाई बोलो आप, आज के दिन क्या कहोगे? आज के दिन परशुराम जयंती है, सबको आना चाहिए। ये हिंदू का त्यौहार की तरह ही है, जैसे भगवान की राम की जयंती होती है वैसे परशुराम जयंती है। पूरे जम्मू वासियों से यही अपील है कि बढ़ चढ़ के इस हिस्सा शोभा यात्रा में हिस्सा ले और अपने सनातन धर्म को प्रमोट करें। जय श्री राम। इस समय के दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ी भी साथ है और ये शोभा यात्रा जो है जम्मू के बाजारों के बीचों बीच होती हुई निकलेगी। आपको घर बैठे इसके दर्शन हम करवा रहे हैं। भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं और विष्णु भगवान के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम का जन्मोत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। चलिए और एक और सर हमारे साथ, इनसे भी जाने का प्रयास, क्या कहेंगे सर आज के दिन? सबसे पहले तो परशुराम जयंती भगवान जी के अवसर पर इस पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों को, देश के सभी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये पर्व जो है हर्षोल्लास का पर्व है और सर्वधर्म धर्म सम्मान के लिए और राष्ट्रीय एकता के लिए ये पर्व जो है मनाए जाते हैं। और ऐसे पर्व से यही संदेश सबको देना चाहिए कि सबको सर्वधर्म की समानता के साथ सबकी इज्जत करते हुए सबको मिलजुल के समाज में रहना चाहिए। और ये मैं कहूँगा कि ये सिर्फ ये नहीं है कि ये एक स्पेसिफिक मैसेज देना चाहूँगा कि भगवान परशुराम जी को ब्राह्मणों के साथ जोड़ के देखा जाता है, जबकि भगवान सबके भगवान हैं। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि चाहे क्षत्रिय वैश्य शूद्र सिख ईसाई जितने भी इस सृष्टि में जितने भी हम लोग हैं, हम सबको सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सभी पर्वों को एक साथ मनाना चाहिए। धन्यवाद सर। बिल्कुल सर ने सही कहा कि भगवान श्री परशुराम सिर्फ ब्राह्मण समाज के नहीं बल्कि पूरे लोग, हर समाज के लोग भगवान हैं वो, और उन्हीं के रास्ते पर चलना चाहिए। किस तरह से उन्होंने, यानी कि ये कहेंगे कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, अच्छाई के लिए काम किया, और कहीं ना कहीं मैसेज है हमें अपने ऐसे ही जो गुरु कहेंगे या के भगवानों के उनके यानी कि नक्शे कदम पर चलना चाहिए, उनकी सीख को मानना चाहिए, तभी हम समाज में बुराइयों को खत्म कर पाए। जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, बुराई को छोड़कर अच्छाई की ओर चलेंगे, इंसाफ के लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे और कहीं ना कहीं ये कहें गरीबों की मदद करेंगे, तो यही हर धर्म में सिखाया जाता है और हमारे जम्मू कश्मीर की खूबसूरती यही है। कोई भी त्यौहार हो, चाहे समाजी हो या धार्मिक हो, मिलजुल कर हर धर्म के लोग इसमें पार्टिसिपेशन देते हैं, भागीदारी देते हैं और कहीं ना कहीं इसे संपन्न बनाने का प्रयास करते हैं। और वहीं पर अगर बात करें आज की, तो आज के दिन की फिर से जाते जाते कहेंगे समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को, भगवान श्री परशुराम जी जो कि विष्णु भगवान के छठे अवतार थे, उनके आज जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भगवान श्री परशुराम जी की। जुड़े रहिए ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।